तो आज के हमारी इस क्लासेस में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग वीवी। क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ बात की कि वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग है क्या, कैसे क्या होता है, बाकी चीजों पर डिस्कस किया था मैंने। तो अभी जो हम बात करेंगे कि वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग आखिर सीखने से पहले क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्सेल की बेसिक कंसेप्ट, एक्सेल के बारे में ठीक ठाक पता होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, ये बताने के पीछे दो रीजन है। पहली रीजन ये है कि जो चीजें हम फॉलो कर रहे हैं एक्सेल की चीजें तो फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको वीवीओ के थ्रू रिपोर्ट बनाना है तो वीवीओ में कुछ अपना अलग थोड़ी है, वो तो एक्सेल की कोई फॉलो करता है ना। तो सेम चीज यहाँ पे हुआ कि जो एक्सेल की चीजें हैं वही चीज यहाँ पे आपको शो करनी है, तो उसकी कोडिंग पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा है, अब मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए एक्सेल में आप क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं ना ऑटोमेटिकली। सर सॉरी जस्ट आपको डिस्टर्ब कर रहा था, ये एक्चुअली में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो मैं इधर से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, तो आप भेजिएगा सर। आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, ऑल्ट प्लस आर प्रेस कीजिए रिकॉर्डिंग हो जाएगी। नहीं एक आप कर रहे हैं ना तो आप भेज देंगे, आप भी कर लीजिए ना क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग आने में टाइम लग जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो तू क्या होते करेक्ट। तो जैसे कि मुझे डेटा को सिलेक्ट करना है, तो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करते पहले पता करनी होगी कि जो ए जो कंट्रोल ए का जो कोड है, जो हमारा शॉर्टकट है, वो किससे बिलोंग करता है। तो इसके लिए हमें एक्सेल पता होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको पता है क्या कंट्रोल ए किसका किसके साथ बिलोंग करता है, कौन सा कोड है, सॉरी कौन से ऑप्शन है। जैसे कि आप कंट्रोल सी करते हैं तो आपकी कॉपी है, कंट्रोल वी करते हैं तो पेस्ट, तो हर शॉर्टकट का कोई मेनू बार में ऑप्शन है ना सर। करेक्ट करेक्ट, इसका क्या है कंट्रोल ए का, नहीं आइडिया सर। ये चीज आपको मिलेगी फाइंड एंड सेलेक्ट में, गो टू स्पेशल, ए रहा करेंट रीजन। जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो करेंगे रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट। अच्छा ठीक है, ये चीज पता होगी तभी तो कोडिंग लिखेंगे। सो वीवीए सीखने से पहले एक्सेल की नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कल आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी, देखिए yes. रीजन नहीं था एक्चुअली में एक शॉर्टकट वो भी होता है ना सर, कंट्रोल स्टार, कंट्रोल स्टार हाँ वो भी होती है, सेम ही है। कंट्रोल ए जैसे कंट्रोल स्टार जो आपका है वो जितना मर्जी पेस की जो डेटा करेंट रीजन सिलेक्ट करता है, और कंट्रोल ए जो है वो वन टाइम सिलेक्ट करेंगे तो आपका डेटा सिलेक्ट करेगा, सेकंड टाइम सिलेक्ट करेंगे तो पूरी शीट सिलेक्ट कर लेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और कंट्रोल ए यूनिवर्सल है, हर में चलता है। कंट्रोल ए तो सब में चलता है, सही हाँ, सिलेक्ट ऑल करने के लिए यूनिवर्सल है, तो हम यही बताते हैं ना। ठीक है, अब दूसरा रीजन है कि जैसे कि आप मान लो आपको बोल्ड करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोल्ड किसके अंदर आता है, फॉन्ट के अंदर आता है ना। और दूसरा बोल्ड ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक बार अप्लाई होता है उसी से एक बार डिसअप्लाई होता है, तो ऐसा पता होने से क्या हुआ कि वीवी के अंदर जब कोडिंग करेंगे रेंज डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, तो फॉन्ट के अंदर, हाँ फॉन्ट के अंदर डालेंगे बोल्ड को, फॉन्ट के अंदर है, और इक्वल टू ट्रू इसलिए करेंगे कि एक ही से अप्लाई होता है और एक ही से डिसअप्लाई होता है, एक ही से अप्लाई एक ही से डिसअप्लाई, समझ गए, समझ गया सर, क्लियर है सर। एक जस्ट मैं आपको अभी आपने जो बोला है तो एक कंफ्यूजन है अभी, जैसे कि कंफ्यूजन नहीं मतलब जस्ट एक क्वेश्चन है कि आपने जो अभी बोल्ड का बोला तो ये समझ में आया कि ये जो बोल्ड ऑप्शन है ये मैं आपको बोल्ड ऑप्शन अभी फिलहाल मैं आपको ऑप्शन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कि एक्सेल को जानना जरूरी क्यों है। ठीक है कोडिंग नहीं बता रहा हूँ आपको,
ठीक है चलेगा, समझा सर। तो एक्सेल को जानना जरूरी है, तो प्रिपरेशन द लर्निंग में सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपके पास एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो आप पहले एक्सेल की नॉलेज करें देन वीवीए पे आए, पहले स्टेप पे है। डायरेक्ट वीवीए पे आते हैं तो आपको सीखने में मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कोड को समझने के लिए पहले उसके फीचर्स को समझना जरूरी पड़ेगा। करेक्ट सर। इसलिए दूसरा जो प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन लर्निंग का दूसरा जो पार्ट है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब कि आपने में से क्लास लिया, तो अब इसका पढ़ने का तरीका क्या है समझ लीजिए, आपने मुझसे क्लास लिया, क्लास में चीजों को समझा, ठीक है, डाउट्स को हाथों हाथ क्लियर कर लिया, आफ्टर देन इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, उस रिकॉर्डिंग को आप अपने सिस्टम पे प्ले करेंगे, दोबारा से मेरी बातों को समझेंगे और जैसे मैंने स्टेप को फॉलो किया है वैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। यहां तो मेरी जस्ट मेरी क्या बोलते हैं पद चिन्ह तक चले, ठीक है। करेक्ट सर। अब उतना ही से नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक का एक दो या तीन अब ज्यादा फोर्स करेंगे तो पांच एग्जांपल दूंगा, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता ना सर। करेक्ट करेक्ट सर। लेकिन इतना काफी नहीं होगा आपको एक्सपर्ट बनने के लिए, तो आप करेंगे रिसर्च। रिसर्च कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक सिखाया, उस टॉपिक को आप गूगल पे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप जो है एक नए चीज को सीखने का कोशिश करेंगे, उसके अंदर नए चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब वो कोई चीज आपको नया मिला और वो चीज आपको समझ में नहीं आया तो उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देनी या लिंक मुझे भेज देना, मैं देखूंगा, फिर क्लास छोटे मोटे डाउट होगा तो मैं ऑडियो मैसेज देकर समझा दूंगा, टॉपिक होगी तो अगली क्लास में समझा दूंगा, ठीक है सर। और इसके लिए चाहिए आपके पास टाइम, ठीक है। ठीक है सर। तो क्लास लेने के बाद भी बाद आपको दो ढाई घंटे की प्रैक्टिस टाइम चाहिए, दो ढाई घंटे आप पूरी तरह से वीवीए प्रोग्रामिंग को समर्पित रहेंगे, ठीक है। ठीक है। और इसको मिस नहीं करना, अगर आप क्लास मिस कर देते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए आज पढ़ाना था मिस कर गए तो कोई बात नहीं, आज का जगह पे आप कल पढ़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक क्लास की प्रैक्टिस मिस की अगले दिन फिर से क्लास लिया तो क्या होगा, दो दो क्लास की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तो करने का टाइम नहीं मिला, आप दो दो कैसे करेंगे, इसका मतलब आप स्किप करेंगे, और लर्निंग में स्किप नहीं करना होता है सर। करेक्ट सर। तो आपके पास प्रिपरेशन द लर्निंग में दो चीजें थी, एक तो एक्सेल को जानना है, दूसरा आपके आपके लिए प्रैक्टिस का टाइम होना चाहिए, तीसरा जो पार्ट है, आपको जितने भी आप कोडिंग करेंगे सबकी एक डायरी मेंटेन करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सर क्या है सर, एक कोड है, हो सकता है कि आपको याद ना हो, जैसे मान लो कि आपको मैंने पीडीएफ बनाने का और मेल भेजने का कोड समझा दिया, आपने उसको लगातार यूज किया तो आपको याद रहेगा ना सर। करेक्ट सर। अब छह महीने बाद खोजोगे कि वो कोड कहाँ था तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए क्या बेटर होगा कि उसको अगर आप एक डायरी में नोट कर स्टेप बाय स्टेप तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं, क्योंकि डायरी आपके पास अवेलेबल रहेगी ना कहीं कहीं, तो अपने आपको रिकवर कर सकते हैं कि हाँ इसका कोड की है। तो गूगल पे सर्च करने से अच्छा है कि आपने डायरी मेंटेन कर, ठीक है सर। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रिपरेशन और रनिंग की बात करते हैं कि भाई हमें माइक्रो स्टार्ट करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको एक ही बार करनी है, आई थिंक आप कर भी रखी होंगी। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब चाहिए, डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल मेनू बार के ऑप्शन के अंदर में जाना है और कस्टमाइज रिबन में आपको यहाँ पर डेवलपर टैब का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि डिफॉल्ट अनचेक्ड होता है, चेक करते यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके पास ऑफिस 2007 है तो आपको एक जनरल मिलेगा। तो डेवलपर टैब आपकी नेविगेशन के लिए जरूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरा है कि अपने माइक्रो सिक्योरिटी को आप अनेबल कर दें, डिसेबल होता है इसको अनेबल कर दें, लेकिन अनेबल करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद कर रहा है पोटेंशियली डैमेज कोड कैन रन,
तो अगर आप एनेबल करते हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी अननोन पर्सन से अगर आपको आती है वीवीए की फाइल आती है, कोडिंग फाइल आती है, उसको डायरेक्टली रन नहीं करना है। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर मैक्रो है या नहीं बिना खोले, क्या सर? तो उसके लिए कुछ स्टेप है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए एक मिनट, मैं डेस्कटॉप पे आता हूं। उसमें देखिए यहां पे अगर फाइल में इस तरह का आइकन दिख रहा है, दिख रहा है सर जी, ये आपका डॉट एक्सएलएस एक्स फाइल है, मतलब कि माइक्रो डिसेबल वर्ड, तो इनके अंदर में किसी भी तरह का कोडिंग ना होगा। ये 100% श्योर है कि इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं होगा, नहीं होगा। या फिर इस तरह की फाइल है टेम्पलेट, इस तरह की मैंने एक पैड की तरह है, इसमें भी नहीं होगा, है सर? करेक्ट सर। क्योंकि जो इस तरह का एक्सप्रेशन मार्क बना हुआ फाइल आ रहा है सर, ये जो एक्सप्रेशन मार्क बना हुआ है, इस तरह की फाइल अगर आती है तो ये माइक्रो अनेबल वर्कशीट है, तो इसमें ये माइक्रो को कैरी करता है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर माइक्रो होगा ही होगा, लेकिन होने के चांसेस हो सकते हैं। ए वाले मतलब इस आइकन की फाइल आया इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस एक्स वर्कशीट, इसमें तो चांस ही नहीं कि माइक्रो होगा, क्योंकि माइक्रो को कैरी नहीं करता है। माइक्रो तो एक्सएल में करता है ना। अब मैं वही समझा रहा हूँ, ये आपका ये जो एक्सटेंशन मार्क इस तरह का बना हुआ है, इसका एक्सटेंशन होता है एक्सएलएस एम, एक्सएलएस एम लास्ट में एम होता है। इस पर कर्सर ले आओगे तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो अनेबल वर्कबुक दिख रहा होगा आपको। करेक्ट करेक्ट सर। इसके अंदर भी डेटा भी हो सकता है और माइक्रो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, समझ गया? करेक्ट सर, समझ गया। अब ये जो फाइल दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एड इज फाइल, इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट एक्सएलएस ए। ए फाइल आपके पास कोई भेजता है अननोन सोर्स का फाइल है, तो ये फाइल को कभी रन मत करना जब तक कि एक ट्रस्टेड पर्सन से आपको मेल नहीं आती है। अच्छा, क्योंकि तो इसमें सिर्फ कोडिंग ही कोडिंग होगा। ओके, समझ गए? समझा सर। जब माइक्रो को अनेबल कर देते हैं तो इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि आपकी कौन सी फाइल के अंदर माइक्रो हो सकता है, कौन सी फाइल के अंदर माइक्रो नहीं हो सकता है। अब हम बात इसमें करते हैं, जब हम फाइल के अंदर जो तीसरा है वो है कि आपको फाइल को हमेशा सेव करना है माइक्रो अनेबल वर्कबुक, दिख रहा है? करेक्ट सर। बाय डिफॉल्ट फाइल आपका एक्सेल वर्कबुक पर सेव होता है, अगर गलती से आपने एक्सेल वर्कबुक में फाइल को सेव कर लिया तो आपका मैक्रो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्रो कैरी नहीं करता है। मैक्रो सेव नहीं होगा जी? हाँ, मैक्रो सेव नहीं होगा, कैरी नहीं करेगा, डिलीट कर देगा सर। अच्छा, होता है क्या कि शुरुआत में बच्चे लोग क्या करते हैं, मैक्रोज बनाते हैं और रन करते हैं, रन हो जाता है, सेव करते हैं, फिर ओपन करते हैं, बोलते हैं, फोन करते हैं, सर मैंने मैक्रो बनाया था, इसको रन किया, फिर दोबारा से वापस में खोल रहा हूँ, इसके अंदर मैक्रो है ही नहीं। अच्छा, तो हम इसे एक ही सवाल करते हैं, क्या आपने मैक्रो को एक्सेल वर्कबुक में सेव किया था? तो यस सर। तो एक्सेल वर्कबुक माइक्रो डिसेबल फाइल है, तो कैसे माइक्रो को वो एक्सेस करेगा, स्टोर करेगा? तो हमेशा आप जो है माइक्रो अनेबल वर्कबुक में फाइल को सेव करें। हम तो ये सलाह करेंगे कि पहले आप उसको सेव कर लें, देन कोडिंग स्टार्ट करें। परफेक्ट, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, कोडिंग करते समय कोई सिंपल कोड है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड कोड वगैरह लगते हैं, हम लोग गूगल शूगल सबकी सहायता से लिखते हैं, तो माइंड खुशी के मारे याद, जब माइक्रो परफॉर्म कर जाता है तो खुशी के मारे याद नहीं रहता है कि माइक्रो अनेबल वर्कबुक को सेव कर। सही, और उसके बाद पता चलता है वो तेरी के सारे मेहनत पानी, ठीक है सर? सही है सर। तो ऐसे लोग अच्छे लोगों को मैं सलाह देता हूँ, क्यों ना आप सारी फाइल को माइक्रो अनेबल वर्कबुक में ही सेव करो। जैसे मैं मोस्टली माइक्रो फाइल बनाता हूँ, तो मैंने एक्सेल ऑप्शन के अंदर सेम में जाके सेटिंग कर रखी है, यहाँ देख रहा होगा। अच्छा, इससे क्या होता है कि मैं जब सेव करता हूँ तो डायरेक्ट आपका माइक्रो अनेबल वर्कबुक ही आता है, दूसरा वर्जन नहीं आता है, क्योंकि मैंने इसमें क्लिक करके यहां से मैंने इसके जगह पे इसको सिलेक्ट कर दिया। समझा। तो
आप भी कर सकते हैं इस सजेशन, जरूरी नहीं है सजेशन है सर, ठीक है। यस यस सर, तो तीन चीज आपने कर ली। अब आपको विजुअल, आप जब आप मैक्रोस को हैंडल करने के लिए हमेशा डेवलपर के विजुअल बेसिक पे जाना है, जिसका शॉर्टकट अल्ट F11 है। मान लीजिए किसी के एक्सेल फाइल में बैठे हो, उसके पास डेवलपर टैब नहीं है, तो कोई बात नहीं, अल्ट F11 प्रेस करेंगे, विजुअल बेसिक खुल जाएगा। और इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, प्री इंस्टॉल आपके एक्सेल के साथ आता है जी। अब इसमें अब माइक्रो प्रोग्राम इसमें देख लीजिए, जब खोलेंगे तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। ये आपका आता है कोर एरिया, जब डबल क्लिक करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो एक कोर एरिया खुल के आएगा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जहां पे आप एक फाइल से दूसरे फाइल और उस माइक्रोस के अंदर नेविगेट करेंगे, ये जरूरी है। और नीचे आता है प्रॉपर्टी शीट, जो जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखेगा। ओके, अब बात आती है कि मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो कहां से लाएंगे, तो यहां दो चीजें है, यहां पे आपको दिख रहा होगा और ये आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल आर है, यहां आ गया, और ये आपका जो हैंड का निशान है वो प्रॉपर्टी, इसका शॉर्टकट F4 है। तो इन दोनों जगह से क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल आर और F4 से भी की मदद से भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है व्यू में जाके भी इन दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको आइकन्स में नहीं है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैक्रोज बनाने के लिए बनाए का, हम C1 पे भी मैक्रो, यहाँ भी मैक्रो लिख सकते हैं, C2 पे डबल क्लिक कर सकते हैं, तो जितने फाइल खुले रहेंगे ना वो सारे फाइल का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। और फाइल का जो लिस्ट आपको दिखेगा उस फाइल के अंदर, जैसे फाइल बाई होगा, किस फाइल के अंदर कोडिंग करनी है तो उस फाइल को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कोड सेव होगा तो कहीं कहीं किसी फाइल में ही होगा ना सर, प्रॉपर फाइल में होगा ना सर। अच्छा, फाइल सिलेक्ट करना जरूरी है ताकि वो फाइल उसी की कोडिंग फाइल के अंदर, अगर मैं शीट 1 में सेव करूंगा तो वो शीट 1 में चलेगा, ऐसा है ना? हां हां, तो सीट 1 के बैकएंड में पोस्ट की सीट 1 की प्रॉपर्टी में स्टोर होगा, बैकएंड में सेव होगा, सीट 1 के साथ अटैच रहेगा। हाँ, तो अगर वो शीट 2 में चलाना है तो वो नहीं चलेगा शीट 2 में? नहीं, देखिए होता है क्या है कि आप शीट 1 पे जो है कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम सलाह नहीं देते, इसके दो प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको दूसरे किसी और फाइल से या किसी और शीट से नेविगेट करें तो करने में दिक्कत हो, ऐसा नहीं करता कि चल नहीं चलेगा, सम कोड चल जाता है, सम कोड प्रॉब्लम करती है। पहली प्रॉब्लम ये, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सीट 1 के प्रॉपर्टी में सेव है, किसी ने सीट 1 को डिलीट किया, जो कि अक्सर होते रहते हैं, हम सीट डिलीट करते रहते हैं ना, ये डिलीट वो डिलीट, समझे जी, वो बोलते हैं दिस वर्कबुक में कर ले, तो फिर वो एक फाइल से दूसरे फाइल के नेविगेशन में प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए हम आपको सलाह देंगे कि आप इंसर्ट में जाए, मॉड्यूल्स पे जाए, और जो भी कोडिंग करनी है आपको मॉड्यूल्स में करें। तो मॉड्यूल्स क्या है कि फाइल के प्रॉपर्टी में सेव होती है, न कि किसी सीट या किसी और सीट के प्रॉपर्टी। अच्छा। और इसके अंदर जो कोड हम करते हैं उसको एडिंस के थ्रू हम बाहर भी निकाल सकते हैं और किसी भी फाइल के साथ कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। मतलब ये जो मॉड्यूल है ये एक्सेल में सेव होता है, ना कि पर्टिकुलर कोई फाइल में, एक्सेल शीट में या वर्कबुक में, करेक्ट है? मैं अंडरस्टैंडिंग, वर्कबुक के अंदर सेव होता है, वर्कबुक में सेव होता है। आपने बोला ना ये जो मॉड्यूल बना है ये वर्कबुक में बना है, तो ये जो वर्कबुक मतलब बुक 1 में बना है ना, वो बुक 1 आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है वर्कबुक के अंदर बना हुआ, बुक वर्कबुक VVA प्रोजेक्ट बुक 1 के अंदर बना हुआ है। बुक 1 मैं वही समझा सर, बुक 1 मतलब आपका एक्सेल फाइल, ठीक है। दिस वर्कबुक अलग है और बुक 1 ये अलग है, दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है कि दिस वर्कबुक जो हुआ ये बुक 1 का ही पार्ट है, बुक 1 के अंदर में है। और ये जो मॉड्यूल्स भी बुक अंदर अंदर, दोनों का अलग अलग है, ये प्री डिफाइंड है, ये हमने डिफाइन किया है। अब प्री डिफाइंड के इसमें है तो इसमें कुछ लिमिटेशंस है। अच्छा, जैसे नहीं, जैसे कि किसी और फाइल के साथ नेविगेशन में प्रॉब्लम होगी,
ठीक है। तो बेसिकली ये जो दिख रहा है इनमें हम इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने वर्क दिस वर्कबुक पे गए और यहाँ पे मान लीजिए वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ इवेंट आ गए कि फाइल ओपन होते ही क्लोज होते ही जो है कुछ चल जाए। ठीक है, ओके ठीक इसका यूज ये यूज होता है सर, तो आगे हम बताएंगे आपको, तो फिलहाल इसको इग्नोर है, कीजिए। ठीक है। हम मॉड्यूल्स वन में आते हैं। मॉड्यूल्स वन में आने के बाद यहां हम माइक्रो सबसे पहले बात आते हैं कि क्या लिखे क्या रहो। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट बनाने की, मतलब कि माइक्रोस डिक्लेयर करने की। जैसे रिकॉर्डिंग माइक्रो करते समय आप क्या करते हैं, जब रिकॉर्ड माइक्रो क्लिक करते थे, माइक्रो डिक्लेयर करते हैं ना सर, कि माइक्रो नेम क्या होगा, शॉर्टकट क्या होगा, सेव कहाँ होगा बगल बगल। तो पहले आपको क्या करना है, माइक्रो डिक्लेयर करना है। तो वीवीए माइक्रो डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे हम देते हैं सब, यहाँ पब्लिक सब भी दे सकते हैं और सब भी दे सकते हैं। और यहाँ पे माइक्रो का नाम जैसे कि हमने एमएम कर दिया, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर मारेंगे तो ये आपका एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब जो हमें कोटिंग करनी है वो सब और एंड सब के बीच में करना है। ठीक है, आप जब जेक्सन फाइल पे जाके देखेंगे यहाँ पे माइक्रोज में, तो एमएम नाम का माइक्रोज आपको यहाँ दिख रहा होगा कि क्रिएट हो गया ना। ठीक है, यस सर। तो यहां पर डिक्लेयर किया, तो जो माइक्रो डिक्लेयर करते हैं इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेटेड बहुत बड़ी माइक्रो है, बहुत बड़ा काम है आपका, बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उसको आप वन बाय वन टुकड़ों में करें। ठीक है, मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि 500 लाइन की एक माइक्रो लिखने से अच्छा है कि आप 100 लाइन की या 50-50 लाइन की 10 माइक्रो लिख लें, अच्छा, स्प्लिट करते हो जाए। स्प्लिट कर। तो स्प्लिट करने से फायदा होता है, हमारा स्टेजेज होता है, स्टेज हो जाता है, मतलब कि हम पहले माइक्रो को कर लिया तो फिर रन है, दूसरा माइक्रो, फिर तीसरा माइक्रो, फिर चौथा माइक्रो। और लंबे कोडिंग में प्रॉब्लम क्या आती है, अगर कुछ डिबग आ रहा है तो फिर वो क्या है ना, पता भी नहीं चलता कि इशू क्या आ रहा है। करेक्ट। जी हाँ, इशू तो सही है, लेकिन होता है क्या ना कि हम काम को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पता चला कि जो मेरा काम है उसके 5 स्टेज है, सारे स्टेज तो बड़े अच्छे से हो जा रहे हैं, 5वां स्टेज कॉम्प्लिकेटेड है या फिर पॉसिबल ही नहीं। करेक्ट। तो ये एटलीस्ट हम 4 स्टेज तो कर लिए ना, मतलब कि हमारा 90% तो हमारा हो गया ना सर ऑटोमेशन। क्या जो मान लीजिए जो 100 मिनट का काम था उसको हम 90 मिनट का ऑटोमेशन कर लिए, तो 10 मिनट का ही टाइम बचा ना, तो मैनुअल 10 मिनट ही करेंगे ना। करेक्ट करेक्ट सर। तो जरूरी थोड़ी है कि हर काम ऑटोमेशन हो जाए, लेकिन जितना हो सके उतना ऑटोमेट करेंगे हम। करेक्ट सर। तो आप बोलेंगे सर ऑटोमेशन क्या नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारा कोई ये नहीं होता है, मतलब कि कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे मान लीजिए ना कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सुजीत कुमार, अब इसे बात होती है कि इसको फर्स्ट में अलग करना, लास्ट में अलग करना, और इसमें कोई सेपरेटर है ही नहीं, इसको कैसे अलग करें, सिस्टम कैसे पता चलेगा कौन फर्स्ट नेम है कौन लास्ट नेम, करेक्ट। लॉजिक है इसमें से? नहीं, एक तो बड़े एक मिनट सर, एक बड़े मिनट। मेरा नाम बड़े लिखिए, मनीष साउंड पमनान। होंगे, बड़े बड़े नाम होंगे, तो हम लोग मैनुअल भी नहीं कर पाए क्या था? करेक्ट करेक्ट सर। इसलिए ऐसे काम नहीं होंगे। तो वीवी वहां पर एक नॉर्मल एक्सरसाइज बम बोलेगा, वीवी बम बोलेगा। अब यहाँ पे स्टेज में करना है, उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि माइक्रो डिक्लेयर करने के पीछे भी रीजन है। देखिए आप जो है A1 B1 C1 ऐसे नहीं लिखना है, ऐसा माइक्रो नेम नहीं देना है। ठीक है, कोई माइक्रो नेम देते हैं जैसे मैंने दिया टेस्ट और हमने दे दिया टूडे, एक गलत है। किसी भी माइक्रो नेम के बीच में किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर नहीं आना चाहिए, जैसे कि डॉट डैश कॉमा डेसिमल मल्टीप्लाई सब जो होता है ना, प्लस, ऐसा नहीं आएगा। हाँ, इसमें आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ओके सर, करेक्ट सर। दूसरा आप राज वन जो है जैसे राज वन रॉय वन ऐसे नेम नहीं देना है, तीन करेक्टर एंड नंबर नहीं देना है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों,
क्या है, जैसे आप माइक्रो रन करने जाएंगे राज वन पे पहुंचेंगे, राज वन नाम का ऑलरेडी आपके पास सेल है। राज वन राय वन है, राय भी तो आ गई, करेक्ट करेक्ट। रोए भी होगा, तीन डिजिट में क्यों बोला, क्योंकि आपके जो कॉलम के जो लेटेस्ट नेम है वो तीन करेक्टर के एक्सेप्ट, ठीक है, करेक्ट सर। तो ऐसे नहीं देना है। वैसे आप यहां पे देखिए आर ए एम राम पहुंच जाइएगा, पहुंच गए, करेक्ट सर। तो तीन डिजिट में नहीं देना है, एक बढ़ा दीजिए नंबर या एक करेक्टर बढ़ा दीजिए, राजा कर दीजिए, या फिर अगर दिक्कत है राज वन नहीं होना चाहिए तो अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे एक चीज और डाल दीजिए कि किसी भी किसी जो माइक्रो आप बनाते हैं तो एक नाम के दो माइक्रो आप मत बनाइएगा, एक नाम के दो माइक्रो आप नहीं बनाइएगा, ठीक है। बात बाकी बना सकते हैं, नहीं, एरर सिस्टम ही एरर दे देगा। हाँ ठीक है, एक नाम के दो माइक्रो नहीं होने चाहिए। अब यहां ये हो, यहां तो समझ में आएगा आपको सर। ठीक है, आया सर। अब इसमें अगला ऑप्शन जो आता है वो ये आता है कि हम माइक्रोज का पहला वर्ड लिखे तो क्या लिखे, माइक्रोज का पहला वर्ड लिखे तो क्या लिखे। देखिए आपका जो कोडिंग है बेसिकली चार ऑब्जेक्ट से टिका हुआ है, पहला है एप्लीकेशन, हम पहले एप्लीकेशन से कोड को स्टार्ट कर सकते हैं, या वर्कबुक से कोड को स्टार्ट कर सकते हैं, या शीट से स्टार्ट कर सकते हैं, या रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं, चार में से कोई एक होगा। अब चार क्या हो, इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच स्पीच होते हैं ना, हम मोस्टली जो हमारा सेंटेंस होता है नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है ना सर, करेक्ट, उसी तरह से ये अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कि इन चारों में से किसी एक से शुरू होगा। अब कौन सा शुरू होगा वो डिपेंड करेगा आपके एल्गोरिथम पे। अब एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप, जैसे कोई कोई माइक्रो बनाना है आपको उसका स्टेप होना चाहिए ना, जैसे मैं मान लीजिए कि मुझे A1 में नेम लिखना है, B1 में रोल लिखना है, C1 में हमें मार्क्स लिखना है, ठीक है, फिर एरिया को सिलेक्ट करके हमें कुछ और करना है, तो इसका एल्गोरिथम तैयार होगा कि स्टार्ट सिलेक्ट A1 एंटर नेम एंटर नेम, फिर सेलेक्ट B1 एंटर रॉल, फिर सेलेक्ट C1 एंटर मार्क्स, ओके। अब लोग ये तो बच्चों वाली बात होगी सर, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया, लेकिन जब बड़ा माइक्रो यूज करेंगे तो जरूरी है, इसके पीछे दो रीजन, आप अपना कोई माइक्रो बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए गुड है, आपको सारा सारा स्टेप सारा कंडीशन दिमाग में फिट है, डेली बेसिस रिपोर्ट आप बनाते हैं तो दिक्कत नहीं है क्या, लेकिन यही बात कोई और किसी और का माइक्रो, किसी मान लीजिए किसी आपके क्लाइंट ने ही आपकी कोई माइक्रो फाइल देखी, बोले यार मनीष जी आप तो बड़े एक्सपर्ट है, आप मुझे मेरे लिए एक फाइल बनाइए, आपका बोले ठीक है क्या करना है पहले बताइए, बताएंगे कि मुझे फाइल को ऐसे ओपन करना है, यहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ से डेटा लेना है, यहाँ से कंडीशन लगानी है, फलाना ठिकाना बोल दिया, अब सर याद तो जाएगा दिमाग, और उन्होंने बोला अपने हिसाब से बोला, तो ऐसे कोडिंग थोड़ी कर देंगे आप, उसका एक सारे स्टेप होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे मुझे नाम लिखना है तो मेरे कर्सर से मान लीजिए यहाँ पे टाइप करना है तो D1 पे क्लिक करना पहले या फिर टाइप करना है ना सर, तो टाइप पहले करो फिर क्लिक करो, दिक्कत क्या होगा कि जहाँ पे पहले से टाइप था वही पे एंट्री होगी, फिर D1 पे कर्सर चला जाएगा, करेक्ट सर, डेस्टिनेशन को पहले बताना पड़ेगा, पिवट लगाना है तो पिवट लगाने से पहले डेटा सिलेक्शन करनी है ना, चार्ट लगाने से पहले डेटा सिलेक्शन करनी है, आपने चार्ट का कोड दे दिया बाद में फिर सिलेक्शन अप्लाई किया तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी,
तो एल्गोरिथम क्या होगा, आपको इसे समझाएगा कि भाई पहले क्या करना है। आप ये कह सकते हैं कि कोड की ब्लूप्रिंट आप पहले नोटबुक पे तैयार करते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर, इसमें एक बेनिफिट और आएगा कि जैसे मान लीजिए किसी का कोड आपको लगा, मान लीजिए इसमें इसमें दिया हुआ अप्लाई अप्लाई बोर्डर्स, अब आपको अप्लाई बोर्डर्स का कोड नहीं आते, तो माइक्रो लिखने से पहले आप क्या करेंगे, उस कोड को रिसर्च कर रहे हैं भाई इसमें मुझे इसका कोड पता नहीं, कोड चाहिए क्या। आधा माइक्रो कोडिंग करने के बाद आप नहीं रुकेंगे यार इसका क्या होगा, पहले हम लोग यही करते हैं ना। लेकिन मेरी सलाह है पहले आप एल्गोरिथम तैयार करें, छोटा छोटा माइक्रो एल्गोरिथम तैयार करें, जिस लाइन ऑफ कोड का आपको लग रहा है कि इसका कोडिंग नहीं पता है उसकी कोडिंग को रिसर्च करें, देन राइट करें, करेक्ट, ठीक है सर। ठीक है सर। तो एल्गोरिथम लिखना भी कला है सर, ऐसा नहीं कि एल्गोरिथम आप ऐसे लिखते हैं, कि सारे स्टेप को तोड़ना होगा। जैसे यहां पे देखें, यह स्टेप हमने जैसे तोड़ा कैसे सर, तोड़ा ना सर। तो छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन बड़े बड़े रिपोर्ट में दिक्कत होगी। तो आप डेली बेसिस में काम करते हैं तो दो तीन काम लीजिए, उसका एल्गोरिथम बनाने की कोशिश कीजिए, इसी तरह से एल्गोरिथम तैयार कीजिए। ये किसी भी प्रोग्राम नॉट ए वीवी, ये किसी प्रोग्राम लिखने का एक स्टेप होता है। पहला होता है एनालिसिस, कि आप पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करें, ठीक ठीक है, है। उसके बाद होता है एल्गोरिथम, उसकी एल्गोरिथम निकालेंगे, पूरा उसका रोड मैप बनाना पड़ेगा ना, हाँ। एक्सेल पहले कैसे आप करें। एनालाइज करेंगे कि भाई इसको कैसे करना है, इसका छोटा तरीका है क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आपके दिमाग के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर है, ठीक है। फिर उसका एल्गोरिथम तैयार करोगे कि भाई क्या क्या स्टेप है, किस तरह से स्टेप होगा, कैसे क्या करना है, ये आपको एल्गोरिथम के थ्रू बताएगा, तो फ्लो चार्ट मतलब टाइप पूरा, ये फ्लो चार्ट में हो गया एल्गोरिथम हुआ ऐसे। फ्लो मतलब वो पूरा अपने को चार्ट हुआ कि इसको करेक्ट इम्प्लीमेंट कैसे करना है, समझ करेक्ट, क्योंकि गए। ये है तो मशीन ना, उसको इसकी थोड़ा। एल्गोरिथम तैयार करनी है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे, देन आप करेंगे टेस्टिंग, ठीक है। अगर एरर आया तो फिर करेंगे रीकोड, फिर करेंगे रीटेस्ट, कब तक, जब तक कि 100% ना हो जाए, देन आप करेंगे उसको अप्लाई। एंड अप्लाई। ये तरीका किसी भी प्रोग्रामिंग को लिखने का, यही सेम कंसेप्ट हमारा वीपी प्रोग्रामिंग में भी इंप्लीमेंट होता है, समझ गए। जी तो ये माइक्रो प्रोग्रामिंग का पार्ट रहा, तो यहाँ पे हमारा थ्योरिकल पार्ट होता है खत्म।